अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम डिज़ाइन लेके आए हैं कुर्ते का। ये हमारे एक व्यूवर्स ने हमें सेंड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इसी पर आज हम वीडियो लेके आए हैं इस डिज़ाइन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये हमने देखिए कुर्ता काट लिया। अब आपको नॉर्मल कुर्ता काट लेना है, इसके अंदर कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपको आधा इंच का या एक इंच का कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कुर्ता आप काट लें, ये बात ध्यान रखें। बहुत से लोग कहने के बाद भी पूछते हैं कि सर कटिंग बताओ कटिंग बताओ, तो कटिंग कहाँ से बताएं हम आपको। ये बिल्कुल सिंपल काटना है आपको, इसके अंदर कुछ भी मार्जिन नहीं रखना है जैसा हमने काटा है। तो अब देखिए क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो ध्यान से समझिए इसको। यहाँ से हम कंधे लेंगे 2.5 इंच, ठीक है, ये 2.5 इंच आ गई। अब हम नीचे घेर की तरफ से लेंगे तो हम लगाएंगे 9 इंच का निशान, ठीक है, एक 9 इंच का निशान लगाएंगे। लगा लिया हमने 9 इंच का निशान। अब हम इसको हमारे इंची टेप की मदद से स्ट्रेट करके देखेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रेट करके देखेंगे, अगर सही लगता है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा या कम लग रहा है तो आप इसको हल्का सा कम भी कर सकते हैं, 8 इंच पे लगा लें आप निशान। ये देखिए इस तरीके से रख के देख लें क्या हाँ आपका फ्रंट बिल्कुल फोटो के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और अगर आपको लग रहा है कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप हल्का इधर या उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट नाप नहीं है, आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें बिल्कुल सही लग रहा है, तो हमने ऐसे डॉट डॉट करके निशान लगा लेना है आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इस निशान को लगाना, ठीक है, क्योंकि साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसके अंदर हर साइज़ के हिसाब से आपको थोड़ा कम या ज़्यादा करना पड़ेगा अपने साइज़ के हिसाब से। तो ये देखिए नीचे से हमने 8 इंच लिया है, ये देखिए दो निशान दिख रहे होंगे, तो हमने इसी तरीके से लगा के चेक करे थे, तो ये हमें 8 इंच पे सही लगा, तो हमने 8 इंच पे रख लिया है इसको, ठीक है। अब यहाँ से हमने करा है इसको क्रॉस 5 इंच के करीब, तो इसको अब हम शेपर की मदद से शेप दे देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देना, शेप दे देना आपको। तो इसी तरीके से जैसे हम बता रहे हैं आपको, उसी तरीके से आपको नाप के और इंची टेप रख के देख लेना है। आपको जहाँ लगे कि ये बेस्ट है मेरे लिए, इससे मेरा डिज़ाइन का जो है बहुत अच्छा बैठेगा और ये बिल्कुल फ़ोटो के अकॉर्डिंग है, वहाँ पर ही आप इसे फिक्स कर दें, ठीक है। ये नहीं हमने 8 इंच पर रखा तो आप भी 8 इंच पर रखें। हमारा 34 चेस्ट का ये और 40 लंबाई है इसकी, हो सकता है आपकी कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब दूसरे साइड से जो लेना है आपको 9 इंच लेना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अब इस तरीके से हमने जो 8 इंच का निशान है उससे इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये हमारा निशान हो गया कम्प्लीट दोस्तों। अब इससे देखिए आपको 5 इंच शॉर्ट करना है, जो आपकी बटन टेक होगी ना वो आपकी 5 इंच छोटी रहेगी आपके मेन फ्रंट से, ठीक है। इधर से भी 5 इंच रख लेना आपको, तो ये इस तरीके से आपके ये दोनों निशान लगेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो ये हो चुका है आपका। अब इसको देखिए कैसे करना है आपको। तो पहले हम निशान पे से इसको काटना शुरू करेंगे। ये देखिए एक साइड हमें काट लेना है इसकी, ये कट गई। अगर आप बिल्कुल सीधा देते तो इतनी अच्छी गोलाई नहीं आती, हमने शेपर से दिया तो अच्छी गोलाई आ रही है और ये अच्छा भी लगेगा आपका, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीधा ना दें। तो अब हम ये कंधे पे से काट लेंगे इसको, बिल्कुल स्ट्रेट काट लेना है आपको इस तरीके से। ये हमारा कट चुका है, अब आपको दूसरी वाली साइड को काटना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट हो चुका है दोस्तों, कट गया हमारा। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरी साइड लेंगे हमारी, तो दूसरी साइड में आपको इसको क्रॉस करना है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर वाले निशान पर से आपको इसको काट लेना है, ये इस तरीके से। तो ये हमारा कट चुका है दोस्तों। तो आप एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जितनी आपकी लंबाई हो उस हिसाब से आप क्रॉस कर सकते हैं इसको। देखिए उस साइड से ये आ रहा है हमारा 11 इंच और हमने फर्स्ट वाला करा था 9 इंच, तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसके अंदर आपका। बस जो आपका फ्रंट लटकेगा नीचे की साइड से वही पड़ती रहेगा, साइड का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक कुर्ता आएगा। तो उल्टे सीधे का आपको निशान बिल्कुल ध्यान से लगाना है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है आपको, नहीं तो हो सकता है बटन टेक का कांच टेक कर दें और कांच टेक को बटन टेक में तब्दील कर दें, तो इसलिए आप ध्यान रखना। अब आपको कपड़ा लेना लेंथ के लंबाई के बराबर। अब यहाँ से एक पट्टी निकालनी है 3 इंच के करीब, ठीक है दोस्तों। लेंथ के बराबर आप एक एक पट्टी निकालें 3 इंच की और एक पट्टी निकालें आप 1.5 इंच की तकरीबन, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों पट्टियों को निकाल लें, निशान लगा कर बिल्कुल स्ट्रेट निकालें। और इसको निकालने के बाद हम एक पट्टी में शेड रोल लगाएंगे, ठीक है। पट्टी का जो रोल आता है आपका फ्रंट का वो लगाना है आपको, और दूसरी वाली के अंदर आपको सिंपली से फोल्ड करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कुछ ये पट्टियाँ तैयार करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं मशीन के ऊपर, जब तक आप ये देख लें।
तो ये हमारा देखिए उल्टी साइड है फ्रंट की। अब इसकी भी आपको शेड रोल काट लेना है लेंथ के बराबर, ठीक है। अभी ऐसा चिपकेगा जैसे हम रख रहे हैं ना दोस्तों, एक बूट छोड़ के चिपकेगा ये आपका, ये देखिए ये बिल्कुल फिक्स एक बूट छोड़ के चिपकाना है आपको इसको। तो दोस्तों ये हमारी लंबाई आ चुकी है शेड रोल की, अब इसको हम रख देंगे। इसको हम दूसरी पट्टी पे चिपकाना है हमें, जो कि फ्रंट पे आएगी। अब इसके लिए एक पट्टी हम काट लेते हैं इसी नाप की। तो चलिए दोस्तों हमने पट्टी वट्टी काट ली है हमारी, अब हम करते हैं फ्रंट पे अटैच। तो ध्यान से देखें आप, ये देखिए हमारी बटन टेक वाली साइड है दोस्तों, इसको हमने एक बूट के करीब फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से प्रेस से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब एक पट्टी जो हमने काटी थी 1.5 इंच की, उसको डबल फोल्ड कर लिया है हमने। अब इस पर हम 1/2 इंच बाहर निकालते हुए हमारी पट्टी को रखेंगे, जिस पर कि हमारे बटन लग जाएंगे और जो आपका मार्जिन दबा है वो दबाव परफेक्ट आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको इसको करना है दोस्तों। ये देखिए 1/2 इंच के करीब आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं, और निशान लगा लगा कर उसके बाद आप ये पट्टी लगा सकते हैं। बाकी आपको बिल्कुल फिक्स लगाना है 1/2 इंच की, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस पट्टी को कंफर्म कर लेते हैं, पूरे लगा लेते हैं। और इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी दूसरी पट्टी लगाना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहते हैं दोस्तों, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी हमारी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ताकि वो भी नए नए डिज़ाइन सीख सकें। तो हम आप जो हमारे फ्रेंड्स हैं, व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमें ये फ़ोटो भेजा था, उनको वीडियो आ चुकी है उनकी फरमाइश पे। अगर आपको भी कोई फरमाइश है, आपको भी किसी पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमने पट्टी चिपका ली लेंथ के बराबर। पट्टी की जो चौड़ाई है हमने रखी 1 इंच, ठीक है। 1 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई है। और इस तरीके से आपको जैसे कि आप तावीज चिपकाते हैं कुर्ते का, उसी तरीके से आपको इसको चिपकाना है पट्टी को, और इसको बिल्कुल बराबर बराबर कर लेना है, ठीक है। तो एक बूट का मार्जिन छोड़ता हुआ इसको काट लेना है। अब ये हमारी पट्टी देखिए ये आ गई। अब इसको उल्टी साइड रख कर इसको लगा लें आप बूट की सिलाई से, ठीक है। इस तरीके से आपको बूट की सिलाई से लगा लेना, और एक ही सिलाई से फिर इसको अटैच भी कर देना आपको। बहुत ईजी है, बस आपको कटिंग जो है वो ध्यान से समझ लेना है। बाकी इसमें सिलाई में ज़्यादा परेशानी नहीं आनी है आपको, बस कटिंग समझना है आपको, तो वो आप ध्यान से समझ लें। तो देखिए ये आप इस तरीके से इसको लगा लेना है आपको। अब एक सिलाई से इसको फोल्ड करते हुए लगा लें, चाहे तो आप पहले प्रेस लगा लें इसके ऊपर। अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आप पहले प्रेस लगा कर करें। तो इस तरीके से आपको रखना है इसको, एक सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो हमारा डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो ये हमारा हो चुका है, अब इसको आपको अटैच करना है, तो वो भी देखना आप किस तरीके से करना है। तो इसको हम काट देंगे नोक के साथ साथ, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं काटना, इस तरीके से नोक बनाते हुए रखना हमारे पूरे की। और ये हमारा हो चुका है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को अटैच कर लेना है। अब इनको अटैच करने के लिए आपको ऊपर से मिलाना है हमारे फ्रंट को, ऊपर से आपको दोस्तों इसको मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको मिला लेना है, और इसको मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से रख लें इसको। ये आ गया हमारा फ्रंट। अब इसको आपको ऊपर से जितना आपको खोलना है उतना आप रख लें। तो हम 9 से 10 इंच के करीब रखेंगे हमारा। तो हम नाप लेते हैं, देखिए कितना रखना है हमें, तो 10 इंच रखेंगे। अब 10 इंच से आपको यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। पूरा नहीं खोलना, अगर आप पूरा खोलेंगे तो आपको टेट तक बटन लगाने पड़ेंगे, जो कि इतना अच्छा नहीं लगेगा हमारे हिसाब से। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं टेट तक भी बटन। बाकी हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप जैसा फ़ोटो में दिया हुआ है वैसा ही आपको बनाना है, तो आप इस तरीके से ही बनाएं। और इसको बीच में हम अटैच कर देंगे, जो आपका साइड का निशान आता है, पॉकेट लगाते हैं आप साइड की, वहाँ तक आपको इसको बंद कर देना है। और नीचे से फिर चाक खुला रहेगा हमारा, जो कि अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से कर लेना है आपको। ये देखिए हमने 11 इंच के करीब बंद कर दिया है, और 10 इंच खोल दिया ऊपर से। तो ये हमारा पूरा आ गया। अब इस पर आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं दोस्तों। सिलाई ऐसे लगा लेना है आपको इसको लगा कर, और बिल्कुल जॉइंट के वहाँ पर आपको इसको पक्का कर देना है, ठीक है, ताकि आपका जोड़ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए
फिनिशिंग के साथ आपका जॉइंट भी नहीं दिखेगा सिलाई का और आपका काम भी हो जाएगा। या आप चाहे तो पहले भी ठेठ तक सिलाई लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लें। तो ये देखिए हो चुका है हमारा। अब आपको करना ये है इसके अंदर दोस्तों, बटन टेक लगाना है आपको और कांच टेक दोनों के ऊपर वाली पट्टी लगाना है आपको। तो उसमें पट्टी कैसे लगानी है तो उसको समझिए, देखा किस तरीके से आपको लगाना है, जो कि हम आपको कई बार लगाना बता चुके हैं। तो हमने एक पट्टी ली है 1.25 इंच के करीब चौड़ी और उसकी एक साइड से हमने फोल्ड कर दिया है प्रेस से। ये देखिए इससे ये होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको लगाने में, ठीक है। एक जगह से अगर आपने फोल्ड कर दिया तो आसानी से आप इसको लगा लेंगे, तो इसलिए आपको इसको कर लेना इस तरीके से, काट के इसको फोल्ड कर दें आप। ये आपका फोल्ड हो चुका है। अब इसी तरीके से आपको बटन टेक भी लगानी है। बटन टेक में आपको पहले बैग में जॉइंट कर लेना है इसको। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है। ये देखिए कितनी इजीली फोल्ड हो चुका है आपका और बहुत ही आसानी से फिक्स भी आ गया है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसकी ये वाली साइड करेंगे। तो इसके लिए आपको बैग में इसको जॉइंट करना पड़ेगा, पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको इसकी बैग की। तो उसके लिए हम बैग ले लेते हैं इसमें। तो ये बैग में आपको इसको अटैच करना है कांच वाली साइड को, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा उल्टा है हिसाब किताब, तो हमें कांच वाली साइड करना। अब देखिए बैग कैसे चाटना है। तो ये हमने रख लिया इसको सीधी। सीधी रखने के बाद एक साइड हम जो आपकी उल्टे हाथ वाली साइड होगी, सॉरी सीधे हाथ वाली साइड, उस पर से राउंड देंगे हम इसको और उससे मिला उधर की तरफ से मिला देना इसको इस तरीके से राउंड देंगे। देखिए इस तरीके से एक कोना आपको कट कर लेना। आप कोई सा भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही आप गोलाई देते हुए इसको कट कर ले और मिला दे फ्रंट से। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको मिला देना है। तो इसमें कोई परफेक्ट नाप नहीं है दोस्तों, आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने भी अंदाजे से ही किया है इसको, हमने बिल्कुल परफेक्ट नाप नहीं रखा। ज़्यादा परफेक्ट नाप करने के चक्कर में भी कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना करते हुए और जितना ईजी हो सकता है आपको उतना ईजी तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। जो ये डिज़ाइन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें लगाना है आपको। तो पहले बैग अटैच करना है बैग के अंदर इसको। ये देखिए जो हमारी कांच वाली पट्टी है इसके अंदर ये अटैच होगी बैग से, ठीक है। और बटन वाली जो पट्टी है वो खुली रहेगी। तो इस तरीके से कुछ हमें ये करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको लेना है इसको। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है इस पर इंटरलॉक कर और सिलाई लगा लेनी है किनारे की। और जब सिलाई लगाएंगे तो आप इसमें एक पट्टी दबाना है आपको। तो ये देखिए ये जो आपकी कास्ट एक वाली साइड है उसके नीचे आप पट्टी दबा दें कि इस तरीके से ले, एक पट्टी फोल्ड कर लें 1 इंच का कपड़ा लेके। ये देखिए इस तरीके से और उसको 2 सूत के करीब बाहर निकालते हुए सिलाई लगा देनी है आपको। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको जितनी ज़रूरत है आपको उतना रखें, बाकी काट दें इससे को। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका हो चुका है। अब आपको इसमें हाला चाटना है सिर्फ। तो हाला चाटने के लिए आपको इसके अंदर इस तरीके से इसको रखना है। ये देखिए बराबर आ गया आपका। और इसको एक सिलाई लगा दें कच्ची, जिससे कि आपका ये हाला चाटते वक्त परेशान ना करें आपको। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका हाला चाट लेना है। तो ये देखिए चाक से इस तरीके से डॉट डॉट करके बिल्कुल गोलाई में चाट लेना है आपको। ज़्यादा गिरता हुआ हाला नहीं चाटना है, बिल्कुल गोल चाटना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल गोल हाला चाटना है आपको। अब इसको नाप के देख लें। ये देखिए हल्का सा और चाट लेंगे और उसके बाद आपको इसको खोल लेना है। अब जो आधा इंच छोटा था ना हमारा, तो आधा इंच हमारा जो ऊपर तले से कद्दी चढ़ी हुई थी हमारी उसमें कवर हो जाएगा। तो हमारा हाला जो है बिल्कुल फिक्स आएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको लगा दें और इसको लगाने के बाद आपका हाला जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो देख लीजिए आप, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसलिए हमने इसमें कट नहीं करा है, पूरा दिखाया आपको ताकि आपको सोचना ना पड़े, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। इसलिए हमने इसको पूरा बताया है आपको और समझाया है। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हाला चढ़ गया। अब आप इस पर एक सिलाई लगा कर इसको अटैच कर दें। तो ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है दोस्तों कम्प्लीट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें वीडियो को। वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर कोई डिज़ाइन वगैरह बनवाना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाएं, हमें मैसेज करें। आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप फोटो वगैरह सेंड कर सकते हैं। या हमने बहुत सारे नए नए डिज़ाइन के फ़ोटोज अपलोड कर रखे हैं, तो आपको अगर उनमें से कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय दोस्तों।